73 पॉइंट नीचे है निफ्टी और 300 पॉइंट लगभग नीचे है बैंक निफ्टी। तो एक वीकनेस के साफ संकेत हैं। बढ़ने घटने वाले शेयर्स की संख्या 1:3, जो एक बड़ा कंसर्न मुझे लग रहा है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे सेक्टर्स आप देखें, आईटी में देखिए, मेटल में देखिए, बैंकिंग में देखिए, रियल एस्टेट में देखिए, लगातार ये कमज़ोरी बनी हुई है। और इसका ये सरदर्द हमारे लिए अमेरिकी बाज़ारों से आया, जहाँ पे कई सारे बैंकों के सामने मुश्किल खड़ी हुई और उसके बाद फिर ग्लोबली ये एक समस्या। हालांकि बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई हैं, विक्स भी नीचे है आपका, फिर भी बाज़ारों में कॉन्फिडेंस लौटता हुआ नहीं दिख रहा। रादर ये कहने से ज़्यादा सही होगा कि सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। क्या मूड है आपका निफ्टी को लेकर के? डाउन है, सिंपल वीकनेस है। गुड मॉर्निंग टू यू। 17,075 पे जा रहा है, लगता है 17,000 की तरफ जा रहा है। मैं ट्रफ टाइम वहां रुकेगा क्या पता, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है खाली, इतना बता सकता हूँ। उसके आसपास जाके रुक सकता है, लेकिन 17,000 पॉसिबल है निफ्टी। और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 39,238, वो तो 39,500 भी तोड़ दिया, 39। साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वीक, क्लियर कट, एक गैप एक खुला, थोड़ा मूव मिला, फिर सेलिंग प्रेशर आई, फिर कंटिन्यू होगा, लगातार सेलिंग प्रेशर आ रही है। अब देखिए क्या होता है। 330 पॉइंट हो गया बैंक निफ्टी, अभी बोलते बोलते 290 के आसपास, अब 330 हो गया है। इस तरह का दबाव बना हुआ है लगातार।